चीन से फैली कोरोना महामारी ने विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में लिया है। बावजूद इसके चीन हमेशा इस बात को मानने से साफ इनकार ही करता आया, लेकिन अब चीन के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में हांगकांग की एक वायरोलॉजिस्ट ने चीन की पोल खोली है। हांगकांग से जान बचाकर अमेरिका पहुंची एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया कि कोरोना वायरस को लेकर चीन उससे काफ़ी पहले से जानता था जब इसने दुनिया को बताया। वायरोलॉजिस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस को छुपाने में चीन की सरकार भी जिम्मेदार है। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के विशेषज्ञ ली मैंगयान ने कोरोना को लेकर चीन की साजिश का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की पहचान करने वाले वैज्ञानिकों में वो भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि चीन सरकार ने विदेशी और यहाँ तक कि हांगकांग के विशेषज्ञों को रिसर्च में शामिल करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों और शोधकर्ताओं जो खुले रूप से वायरस पर चर्चा कर रहे थे उन्हें चुप करवा दिया गया। वुहान के डॉक्टर और शोधकर्ताओं ने चुप्पी साध ली है और दूसरों को चेतावनी दी गई है कि उनसे ब्यौरा ना मांगे। उनके मुताबिक डॉक्टरों ने कहा है कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मास्क पहनने की जरूरत है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।